नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? भाई डर लगता है इनसे, इनका कुछ पता नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, दूसरा कुछ भी बोलेगा तो पकड़ करके इलाज तो कर ही देते हैं। मोदी पर बोटी बोटी वाला बयान देने वाले इमरान मसूद ने अब अमित शाह का नाम लेकर ये क्या बोल दिया। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, उन पर एक वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। उनके भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इमरान मसूद को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। अब उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो एक चुनावी सभा का है। इमरान इस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव सिर्फ इमरान को जिताने या हराने का नहीं है, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज हमारा और तुम्हारा होना है, ये अमित शाह कह रहे हैं। ऐसे ही खामोश नहीं किया जा रहा, साजिश है, कोई बोलने वाला ना बचे। आज तक से जुड़े राहुल कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय ने इमरान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। अपने शिकायत पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सहारनपुर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने अपनी जनसभा में एक वर्ग विशेष को भड़काया है। इमरान मसूद एक वर्ग विशेष में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, उन्हें अन्य वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए भड़का रहे हैं। हिंसा से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने डरे होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अरे भाई डर लगता है, अब देश के अंदर डरना भी मना है। मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर देते हैं तो डरना भी मना है। हम तो चाह रहे हैं कि आप डर निकाल दे, हमें डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर उन्होंने कहा कि भाजपा बौखला गई है, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो उल्टी सीधी हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि उन पर राम की कृपा बरस रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें हर समाज की तरफ से समर्थन और प्यार मिल रहा है। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2014 में बोटी बोटी वाला बयान दिया था, जिसके बाद वह चर्चा में आए थे। 2014 में इमरान मसूद ने बड़ी सभा में भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगली थी। उन्होंने कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान है, यहां 40%, नरेंद्र मोदी यहां आ जाए तो उनकी बोटी बोटी कर डालेंगे। इस बयान को लेकर इमरान मसूद के खिलाफ सहारनपुर की देवबंद कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।